दिला दूँ तुझको बुर्ज खलीफा। अरे आप लोग आ गए, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सब घर खैरियत से होंगे। जो मैं गा रहा हूँ उससे तो आप लोग समझ ही गए होंगे। जी हाँ, मैं जा रहा हूँ बुर्ज खलीफा 125th फ्लोर पे, और आज का मेरा टूर यहाँ का है। तो चलें, अभी तो मैं ऑन द वे हूँ, वहीं की तरफ जा रहा हूँ। चलें वहाँ पहुँचते हैं, लाइन में फटाफट लगते हैं, टिकट पकड़ते हैं। टिकट ऑलरेडी मैं ऑनलाइन बुकिंग कर चुका हूँ, ले लिए, बस वहाँ से लेनी है, अभी कलेक्ट करनी है। टिकट जो थी वो मैंने ऑनलाइन परचेज़ की थी, जिसकी वजह से जस्ट मुझे यहाँ पे कलेक्ट करना था और अंदर एंट्री करनी थी। 2 बजे का टाइम है ऊपर जाने का, ऊपर नहीं बुर्ज खलीफा में ऊपर जाने का, पर अभी जो है 12:55 हो रहे हैं, तो बस अभी हम थोड़ी देर में जाने वाले हैं। ये उस टाइम के सारी मतलब पिक्चर्स हैं जिस टाइम ये बुर्ज खलीफा बनाया जा रहा था, और ये उसके वर्कर्स थे, ये सारे वर्कर्स थे। इनकी याद में ये जो है गैलरी यहाँ पे रखी हुई है एंट्रेंस पे ही, और साथ में ये बुर्ज खलीफा का, इसमें मैं खड़ा हूँ सामने बुर्ज खलीफा, देखो तैयार होके खड़ा हो रहा है। ऐसे ये बना, मतलब स्टेप बाय स्टेप बनता 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 ऊपर तक पहुँच गया, ये देखो। चलो अभी अंदर की तरफ चलते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको दिखानी है। म्यूज़िक ऐसा ज़बरदस्त म्यूज़िक लगाया हुआ, जैसे कि कुछ फील होता है कि बंदा जो है ना कुछ करने जा रहा है, कुछ एक्साइटमेंट होती है, जैसा ज़बरदस्त म्यूज़िक लगाया हुआ है। अलग ही फील हो रहा है कि कुछ बंदा कुछ ख़ास तौर पर मतलब कुछ ख़तरनाक करने जा रहा है, ऐसा म्यूज़िक लगाया हुआ है। यहाँ पर जॉन सीना भाई भी आए हुए हैं भाई बुर्ज खलीफा पे, ये देखो इनका एक क्लिप लगा रखा है इस जगह पर। ये सारी चीज़ें एंट्रेंस पे लगी हुई है। अच्छा, यहाँ पे इनकी एक रेसलिंग होगी इन दोनों की, ये देखो। तो मैं इसको ज़्यादा नहीं दिखा सकता, नहीं तो कॉपीराइट पड़ जाएगा। ये पिछली दफ़ा जो दुबई फ्रेम गया था उससे कह सकते हो कि काफ़ी ऊपर है, और अभी मैं 125th फ्लोर पे हूँ, हाँ नहीं 124th फ्लोर पे, इसके बाद 125th फ्लोर पे जाऊँगा स्टेयर से। देखो लुक देखो सिर्फ, तो गिलास है ना, डर लग रहा था नहीं तो गिलास है। मेरा हाथ है गिलास पे और मैं फील कर रहा था कि यहाँ पे कुछ भी नहीं है। नीचे की तरफ देखो इमार बिल्डिंग है, ये 2-3 बिल्डिंग है, छोटी छोटी सी लग रही हैं। मतलब मैं इतनी हाइट पे हूँ कि ये जो बिल्डिंग है मेरे आगे छोटी लग रही है। देखो उस तरफ वो पूरा समंदर है, ये पूरा दुबई है, देखो दूर 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 तक देख लो पूरा दुबई। और ये बिल्डिंग है जो है ना, अगर आप नीचे से देखो ना तो बहुत बड़ी लगेंगी, पर अभी इस टाइम में छोटी लग रही है। मतलब मैं इतनी हाइट पे हूँ आज, देखो कि मैं ऊपर से पूरा दुबई दिखा पा रहा हूँ।
ऊपर से मैं आप लोगों को पूरा दुबई दिखा पा रहा हूँ। देखें आप, अभी मैंने आप लोगों को एक चीज़ बतानी थी कि लास्ट टाइम मैं दुबई फ्रेम गया था, वो आप देख सकते हो उस तरफ, वो उस जगह पे वो दुबई फ्रेम है। मतलब मैं इतनी हाइट पे हूँ भाई कि अगर नीचे गिर गया तो आमलेट बन जाएगा। देखो, समझ रहे हो ना, डेंजर है। जब भी बोल रहा था नीचे सब प्यारा म्यूजिक लगाया हुआ है, कुछ एक्शन करने जा रहे हैं। तो देखो वो जो नई बिल्डिंग है, ये अभी नई बिल्डिंग बन रही है, मैं भी थोड़ा बहुत काम रहता है पर कंप्लीट हो चुकी है। और इस तरफ देखो, ये पूरा हमारा दुबई है, ये बिल्डिंग है। ये देखो उस तरफ भी देख सकते हो, पूरा पानी जो भी है समंदर इनका, वो नीचे छोटे छोटे तुम्हें विला नज़र आ रहे होंगे। देखो नीचे छोटे छोटे विला है। ये जो है आप दूसरी साइड का व्यू है, देखो कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, और देखो समंदर। ये मार्ग, ये बड़ी बिल्डिंग है पर इससे भी बड़ी बिल्डिंग है उस टाइम। ये देखो गाड़ियाँ, अबे यार कितनी नीची है। देखो मून की बिल्डिंग है, मार्ग की बिल्डिंग है, ऊपर का व्यू चेक करो। ये इसकी दूसरी साइड का व्यू है, मतलब मैं इसको चारों तरफ से आपको दिखा रहा हूँ कि कैसा है। देखो ये बड़ी बिल्डिंग है, नीचे देखो ये भी खड़ी हुई है। अभी जो है मैं करंटली व्यू देख रहा हूँ, लाइव है ये वाला, लाइव है। मतलब मैं इसको जूम कर सकता हूँ, गाड़ियाँ किधर हैं देखो। अब मैं इसको अगर आगे की तरफ जूम करता हूँ, देखो उधर वो बीच है। ये देख सकते हो नीचे की तरफ जो फाउंटेन का शो होता है ना, वो इस जगह पे होता है। ये देखें आप, ये रात को इधर मतलब लाइटें होती हैं ऐसी ये बीच में, और ये सारा फाउंटेन का शो हो रहा होता है। ऊपर से देखें कैसा बना हुआ है, आपको नज़र आ रहा होगा। ये देखें ये पूरा पानी इसमें छोड़ा हुआ है, ठीक है। तो रात का जो नज़ारा होता है वह यहाँ से आता है ज़बरदस्त। और ये पूरा सारी बिल्डिंग है आप देख सकते हैं, बड़ी बड़ी लंबी, ये मतलब काफ़ी ऊंची बिल्डिंग्स हैं, पर इस टाइम देखो कितनी छोटी लग रही है। ये देखो बाबा काफ़ी हाइट है, बाबा काफ़ी हाइट है। तो ये जो है 124th फ्लोर है, जिस साइड पे ये पूरा आउटसाइड का पूरा व्यू है। अभी हम इधर पूरा घूमे, हमने पूरी वीडियो आपको दिखाई बना के, कैसी कैसी जगह है, कैसे हैं बिल्डिंग्स। मतलब अगर आप देखो नीचे की जो बिल्डिंग्स है, बड़ी बिल्डिंग है, छोटी बिल्डिंग नहीं है, बड़ी बिल्डिंग है। नीचे से आप देखो तो बहुत बड़ी लगेंगी, पर इस टाइम इतनी हाइट होने की वजह से, इतनी हाइट पर होने की वजह से जो है बिल्डिंगें सारी छोटी लग रही हैं। अब जो है हम लोग जा रहे हैं 125वें माले पे सीढ़ियों से, यहीं से रास्ता है आप देख सकते हो, ये 124 से 125 ऊपर की तरफ जा रहा है, ये सीढ़ियाँ हैं। वो 124वां वो फ्लोर है, ये 125वां है, उससे एक माला ऊपर। खतरनाक करने जा रहा हूँ, चलें पहले वो करते हैं। Yeah.
25 वो माला है, 125 फ्लोर है। अगर आप में से किसी को भी अपना लेटर बॉक्स भेजना है तो ये भेज देगा भाई, यहाँ पे लगाया हुआ है, सीधा ऊपर से फेंकेगा, नीचे जाएगा, उल्टा वो पहुँच जाएगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप लोगों को ये वाला ब्लॉग हमारा पसंद आया होगा, पर ये ब्लॉग यहाँ पे एंड नहीं होता, क्योंकि इसके बाद मैं जा रहा हूँ कुछ ज़बरदस्त सी जगह पर, कुछ ज़बरदस्त सा खाने के लिए। अभी हम चलते हैं दूसरी जगह जो कि बहुत ही ज़बरदस्त जगह है, चलो वहाँ पे पहुँचते हैं। अभी जो है वो अलबेग पर आए हैं और अभी ऊपर से उतर आएंगे। अलबेग से जो है चिकन मिल लिया है, अभी जो है अलबेग खाया जा रहा है, गर्म हो रहा है। तो दोस्तों फाइनली आइसक्रीम ले ली है उसने, मजा आया खा के? अच्छा है, टेस्टी है भाई, बड़ी मुश्किलों से मिली। तो दोस्तों हमारा ये ब्लॉग जो है यहीं पे कंप्लीट होता है। अलबेग में गए थे कुछ थोड़ा बहुत शूट करने के लिए, पर बहुत ज़्यादा पब्लिक थी तो किसी की फीलिंग्स को हर्ट नहीं करना चाहते थे, इसलिए हमने वहाँ पे कोई ज़्यादा शूटिंग कुछ भी मतलब ऐसी वीडियो नहीं बनाई। तो बस खाना खाया वहाँ से और खा के आइसक्रीम वाले के पास लेकर आया इसको। तो हमारा जो ये व्लॉग है यहीं पर कम्प्लीट होता है, उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आया होगा, उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और हमारे अगले आने वाले व्लॉग के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आने वाले अगले व्लॉग में, आइसक्रीम खाइए। हाँ, शरद भाई को भी देख लो, हमारे शरद भाई। शरद भाई कुछ तो बोलो, अपना लैंग्वेज में बोलो, कुछ अच्छा वर्ड बोलो। वो किसी को नहीं समझा है ना? अपने लैंग्वेज में बोलो ना। केरला मलयाली का सब्सक्राइब लाइक अटिक। सुन लिया, मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आया, जो करने को बोला कर लेना।